इस समय न्यूज़ में आप भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि मौसम की वजह से हैं। ऐसे में वुड बी मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। माँ बीमार होती है तो डेफिनेटली बच्चे पे भी असर जाता है, उसकी भी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं YouTube मॉम को और स्वागत है आपका इस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है जिससे कि आपको हमारे वीडियो की अपडेट रोज मिलती रहेगी। अभी जो मानसून का पीक है, इस सीजन में टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस नए नए रूप में फैलने लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका कोई भी ट्राइमेस्टर चल रहा हो या डिलीवरी का टाइम करीब हो, तो आपको चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो चिंता पूरी खत्म हो जाएगी और एक इंसाइट आएगी कि यस, ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा और सेफ रहेंगे। क्या करना है? किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले बात आती है प्रिकॉशन की, कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सपोज नेबरहुड में या फिर आपके परिवार में कोई बीमार है, सपोज आई फ्लू हुआ है, वायरल प्रॉब्लम है, बुखार है, किसी भी तरह की हेल्थ इशू है सीजनल, तो 4 से 5 दिन का आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब में कोविड भी मिक्स होकर आ रहा है और लक्षणों को डिफ्रेंशिएट करना, हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आइसोलेशन पॉसिबल है। तो प्रिकॉशन सबसे बड़ी समझदारी है। इसके अलावा और क्या प्रिकॉशनरी स्टेप आप ले सकती हैं? हाथ और ये नाखून, ये बहुत जल्दी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को पहुंचा देते हैं, इसलिए दिन में 2 से 3 बार, ज़रूरत ना हो तो भी, हम अनजाने में कई चीज़ों को छूते रहते हैं, कई सरफेसेस को टच करते हैं, तो हाथ को साबुन से, पानी से धोएं, ज़रूर धोएं, कम से कम दिन में 2 से 3 बार। इसके अलावा आपके नाखून कटे होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन को इकट्ठा होने के लिए घर न मिले। नेल्स बिल्कुल कटे होने चाहिए। कपड़े, घर का कोना, बेडशीट, सोफ़ा, टेबल का कोना, किचन के हर कोने बिल्कुल साफ हों, सुरक्षित हों। आप चाहें तो थोड़ा सा कैम्फर आप अपने घर के हर कोने में रखें, क्योंकि कैम्फर धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है और कैम्फर की वजह से घर में, कहते हैं वास्तु भी ठीक रहता है, लेकिन मैं कहती हूँ इन्फेक्शन भी दूर रहते हैं। तो कैम्फर का यूज़ करें। आप अपने घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा कैम्फर रख सकते हैं। अब बात आती है कि डाइट में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करती हैं तो अंदर से आपको इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और इन्फेक्शन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। एक तो होंगे नहीं, अगर होते भी हैं तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हल्के फुल्के सिम्टम में आप उससे बच जाएंगे। क्या करें? तो सबसे पहले आपको फल सब्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हम लोग फ्राइड फूड या क्रंची, क्रिस्पी चीज़ें पसंद करते हैं, पकौड़े और तली हुई चीज़ें, बचिए उनसे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैट लेंगे आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। फैट कम रहना चाहिए बॉडी में। फल और सब्जियों में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। तो फल और सब्जियों को शामिल करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में। दूसरी चीज़, पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी वो माध्यम है जिससे हमारा शरीर खराब चीज़ों को, टॉक्सिन्स को शरीर में से निकालता है। अगर पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो टॉक्सिन्स रिमूव करना मुश्किल होगा और अगर बॉडी अंदर से सिक रहेगी तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा। आपको आप बहुत जल्दी कैच कर लेंगे इन्फेक्शंस को। वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, कई सारे ऐसे आइडियाज़ हैं अपने डाइट में भी फ्लूइड के तरीके से पानी को शामिल करने का, जिससे आप शामिल कर सकते हैं। इस सीज़न में आप बाहर का खाना, होम डिलीवरीज भी बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हाइजीन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसकी श्योरिटी हम नहीं दे सकते बाहर से आने वाले खाने में, इसलिए आप अपने घर पे बना हुआ शुद्ध सुरक्षित खाना खाएं। बात आती है पानी की। पानी हम सभी पीते हैं और पानी एक बहुत इजी सोर्स है इन्फेक्शन फैलने का। तो पानी को बॉयल कर लें, ठंडा कर लें। आप पानी अगर बॉयल कर रहे हैं तो उसमें 2 पत्तियाँ, ज़्यादा तुलसी नहीं ले सकते प्रेगनेंसी में, लेकिन 2 पत्तियां तुलसी की आप अगर 5 लीटर बॉयल कर रहे हैं पानी दिन भर के लिए, तो उसमें आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके लिए वो फायदेमंद होगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहेंगी उसके अंदर, इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो पानी पीने में सावधानी रखें। आप आरओ का ही पानी पी रहे होंगे, लेकिन आप उसे बॉयल ज़रूर करें, बॉयल करके ठंडा कर लें और तब उसको अपना इस्तेमाल में लें। अगर किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो पानी की भाप सिंपल, बिना किसी मेडिसिन के, आपको स्टीमर में या भगोने में पानी बॉईल करके ढक के और स्टीम लेना है। स्टीम लेने से बहुत जल्दी आराम होता है इस सीजनल प्रॉब्लम में। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो रेस्ट करना, अच्छी डाइट लेना आपको बहुत जल्दी रिकवर करेगा और बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। 3 से 4 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ज्यादा स्ट्रेस लेने से बच्चे पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए रेस्ट करें, अच्छी डाइट लें, पॉजिटिव रहें, इससे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। टेक केयर, बाय बाय।